हाँ, ये आपने अच्छा पूछा। किसी भगवान ने या किसी राम ने या किसी चीन ने हमें जीने का अधिकार नहीं दिया, हमारे को जो जीने का अधिकार दिया बाबा साहब ने ही दिया। हमें इंसान जानवर से इंसान जो बनाया और हमें बताया कि हमारे हकूक़ क्या हैं। आप रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, ये धर्म के बारे में बताता है। संविधान पढ़ें, ये हिंदुस्तान के बारे में बताता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। तो हमारे तो भगवान भी यही हैं, इष्ट देव भी यही हैं, और हमें जो जानवर से इंसान बनाया वो यही महान आदमी है। हम दलितों के लिए नहीं, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी आवाम के लिए, हिंदुस्तान के नहीं भारत के लिए, नहीं पूरे भारत के लिए इन्होंने संविधान लिखा और हर एक आदमी को जीने का उनका हक दिलवाया। सर, अभी आपने देखा जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया जी, और उसके अभी 20 तारीख को एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने निर्णय पास कर दिया जिससे सारा बहुजन समाज बौखला गया। बहुजन समाज के जो हितैषी हैं या बहुजन समाज को मानने वाले, संविधान को मानने वाले हैं, उनके अंदर एक रोष पैदा हो गया। जो उनका कवच था, सुरक्षा कवच था, वो सुप्रीम कोर्ट ने छीनने का काम किया। जी जी, अब ये 1991 में बना हुआ था, 1989 में जो बना था, असलियत में तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जिसके जो ये फैसला है उसका खंडन करता हूँ, उसको नहीं मानता। क्योंकि पहले तो ये लोकसभा में जाता है, लोकसभा में चर्चा होती है, ये पहला ही कानून है कि लोकसभा में ना चर्चा होते डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गया है। मैं तो ये चाहता हूँ 30 साल में इसका तो यूज़ ही नहीं हुआ। अब यूज़ कैसे कह सकते आप जी? आप ये बताइए इसकी कितने परसेंट इसकी FIR दर्ज हुई है और कितने परसेंट लोगों को इस पर सजा हुई है। आज भी राजस्थान में घोड़े पर चढ़ने पर गोली मार दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ सो रही है? ये यहाँ जब वोट डालने का अधिकार हमें है तो हमें बोलने का भी अधिकार है। हमें चंद मनुवादियों ने भारत को अपने बाप की जमीन समझ रखी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वोट डालने का अधिकार है हमें बोलने का भी अधिकार है। आज भी देखो हमारी पशु जाति जिंदगी है, कौन नहीं कहता ये भंगी जा रही है, चमारी जा रही है। एक जो डर था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करने की कोशिश करी है, ऐसा नहीं होने देंगे। अब बहुजन जो था पहले एक पार्टी थी, अब बहुजन बन गया ये। इस जो मसला जो आया सामने, ये 30 साल से इसका तो यूज ही नहीं हुआ। अब यूज के क्या बता, आप बताइए कितने परसेंटेज में सजा हुई है, कितने परसेंटेज में FIR हुई है? उससे लागू भी नहीं हुआ, उससे पहले जी खत्म कर दिया। जी 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 जी। आइए और जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जयपाल सिंह, केनरा बैंक स्टेबल फेयर एसोसिएशन से सेंट्रल कमेटी मेंबर हूँ। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जो बाबा साहब के फर्स्ट टाइम मैं इधर आया हूँ, तो मुझे आप पहली बार आए? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हाँ सर, मेरे को पहली बार यहाँ आने का मौका मिला। हमारे मोहर सिंह पहलवान जी हैं जो ये मेरे घर पे आते जाते हैं, मैं इनके मार्गदर्शन से मुझे पता चला था और इधर से मैं आया हूँ। तो आपको बाबा साहब को आप कब से जानते हैं? बाबा साहब को जब से हम पैदा हुए हैं तब से जानते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं मैं पहली बार दिल्ली में आया हूँ। दिल्ली में इस प्रोग्राम में मैं पहली बार आया हूँ। ये अपने लोकल बनाते हैं ना? हाँ, हम उधर अपना बनाते हैं, अपने एरिया में बनाते हैं। और बाबा साहब की दया दृष्टि से मैं एक केनरा बैंक में ऑफिसर के उस पर पढ़े लिखे उससे बैठा हूँ। बाबा साहब ने यह जो हमें शिक्षित के लिए किया था उसके चरणों कदमों में चल। आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आज जो बाबा साहब की वजह से हूँ, लेकिन आप जैसे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे साथ करा क्या है, हम तो अपनी मेहनत से आगे बढ़े। नहीं नहीं, वो लोग बेवकूफ हैं जो बाबा साहब के इस चीज को भूले हुए हैं। वो हमारा समाज नहीं कहता, वो लोग मनुवादी लोग कहते हैं। हाँ, वो मनुवादी लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, मतलब बाबा साहब की कमाई को वो खा गए और फिर उन पर बाबा साहब की कमाई। वो बाबा साहब का उन पर बहुत बड़ा एहसान है जी। बाबा साहब ने पूरे भारत के लिए ऐसा संविधान दिया जो पूरे वर्ल्ड में को अच्छा लगता है, और हर बिरादरी के लिए, हर जाति के लिए समान अधिकार दिए उन्होंने। देखिए, RBI की स्थापना करी बाबा साहब के परिकल्पना के हिसाब से हुई। भारत में जितने डैम बने बाबा साहब की परिकल्पना थी। बाबा साहब चाहते थे उस टाइम पे, उनको चाहते थे कि जब वो कानून मंत्री बने, वो कानून मंत्री नहीं बनना चाहते, वो चाहते थे कि उनको विकास मंत्री बनाया जाए, व्यवस्था मंत्री बनाया जाए उनको उस टाइम। की बात है कि आज के दिन सभी लोग याद करें। आपका नाम सर? मेरा नाम सुरेश चंद है और मैं दिल्ली से ही हूँ। ये बड़े भाई मोहर सिंह पहलवान जी बड़े भाई साहब हमारे जी, और ये जयपाल चंद्र जी, ये भी हमारे भाई हैं। तो मोहर सिंह जी, तो पहलवान जी, आज आपको क्या शिक्षा दी कि बाबा साहब के बारे में क्या बताया उन्होंने? भाई, इनसे तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी, इनके आगे तो हम छोटे बच्चे ही पले इनके आगे। तो इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन है कि बाबा आपको क्या बताया बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब ने हमारे को ये बताया कि संगठित रहो, एकत्रित रहो और
शिक्षित बनो, संघर्ष तो बन गए, संघर्ष तो संगठित नहीं हो पा रहे हैं सर। जब हमारे लोग, हम लोग संघर्ष करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो ये हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और हमारे को जो आगे बढ़ने के लिए हमें अभी आगे भी एकत्रित रहना है और संघर्ष करने रहना है। बाबा साहब का एक ही नारा है कि शिक्षित बनो और संघर्ष करो, अभी आगे उंगली भी तो है बाबा साहब का, बाबा साहब उंगली उंगली तो कई है, बाबा साहब की तो एक उंगली नहीं झेल पाई है, उंगली तो कई है, वो बचा के रख रखी है, दिखाई तो एक है। उन्होंने कह दिया हमारी जो पूजा है ना, अर्चना लोकसभा और राज्यसभा है, के सुनो हमने बहुत घंटी बजा दी, अब हम घंटा बजाएंगे बाबा का, हम पुजारी जो बनेंगे लोकसभा और संसद के बनेंगे। लेकिन पहलवान जी तो बड़ी देश के ब्राह्मण आए, जिनको मंदिर के अंदर घंटे बजाने चाहिए, जो भगवा धारी हैं वो संसद के अंदर घंटे बजा रहे हैं, क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं, जहर खाने चखना ही गुना है, पेट भर के नहीं खाया था। और कुछ लोग बाग ऐसे हैं कि चखना तो दूर, अगर जब पास से निकल जाए ना तो आदमी मर जाए, ये भगवा धारी वो हैं, इन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करा, आर्यों ने जिंदगी में कुछ नहीं करा, डीएनए टेस्ट में आपको पता लग गया, ना ये अपनी बीबियाँ लेके आए थे ना कुछ लेके आए थे, सारी जो व्यवस्था है इन्हीं की बिगाड़ी हुई है। हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं, हड़प्पा संस्कृति के हैं, आज देश में तो राज हमारा चाहिए। इन्होंने खाया दिमाग का है, इन्होंने खाया, राम ने ऐसे कौन सी बात करी है जिसके लिए हम पूछे, उन्हें इनके बारे में हमसे पूछिए, एक दिन लाखों बातें करी है इन्होंने जो समाज को समाज से जोड़े। ये चंद मनुवादी जोड़ को समुंदर समझ बैठे हैं, जब इनकी औकात सामने आएगी तो पता लग जाएगा समुंदर नहीं है, जोड़ थे।